सलमान खान की जो बेइज्जती की उससे सलमान इस कदर दुखी हुए कि फिर कभी जूही के साथ काम नहीं किया। जूही की उस हरकत को सलमान अभी भी भूल नहीं पाए हैं और जब भी मौका मिलता है वो जूही को उनकी हरकत का एहसास कराना नहीं भूलते। आखिर क्या हुआ था सलमान और जूही के बीच जिसकी कीमत जूही आज तक चुका रही हैं? बात उन दिनों की है जब जूही चावला एक बड़ी स्टार हुआ करती थी। हर एक्टर उनके साथ काम करने के सपने देखता था। उस वक्त सलमान के सितारे गर्दिश में चल रहे थे और फिल्में कुछ खास नहीं चल रही थीं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई थी। निर्माता निर्देशकों के लिए सलमान अभी भी स्टार ही थे। एक निर्देशक सलमान खान और जूही को लेकर फिल्म बनाना चाहते थे और उस फिल्म का ऑफर लेकर वो जूही चावला के पास गए। लेकिन जूही ने पहले तो उस फिल्म के ऑफर को लंबे समय तक लटकाए रखा और फिर वो फिल्म करने से मना कर दिया। साथ ही जूही ने सलाह दे डाली कि फिल्म में उनके साथ आमिर खान को लें। लेकिन निर्देशक के मन में जूही और सलमान खान की जोड़ी थी, लिहाजा उन्हें जूही की बात जमी नहीं। लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। सलमान को जैसे ही ये बात पता चली उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि जूही ने उनकी बेइज्जती की है। उस बेइज्जती को सलमान कभी भूल नहीं पाए और ना ही कभी किसी फिल्म में जूही के साथ काम किया। फिर वो दौर भी आया जब धीरे धीरे जूही चावला का स्टारडम कम हो गया और वो फिल्मों में साइड रोल या फिर माँ के किरदार में नजर आने लगी। वहीं दूसरी ओर सलमान बड़े स्टार बन गए। सलमान के मन में जूही को लेकर जो टीस है वो आज तक भरी नहीं है। अभी भी सलमान जूही चावला को कुछ खास भाव नहीं देते, जबकि जूही कई बार इच्छा जता चुकी है कि वो सलमान के साथ काम करना चाहती हैं। कई बार उन्होंने कहा भी है कि उन्होंने सभी एक्टर्स के साथ काम किया है लेकिन सलमान के साथ नहीं। लेकिन हद तो तब हो गई जब जूही की इस इच्छा पर सलमान ने उन्हें फिल्म में उनकी माँ बनने का ऑफर दे डाला। जाहिर है इससे जूही को शौक लगा। उनकी उम्र अभी इतनी तो नहीं हुई कि वो माँ का रोल करें और वो भी सलमान की माँ का। लेकिन कहीं न कहीं सलमान ने इस ऑफर के जरिए जूही से अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया था। खैर, अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।